हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो टेक पे। मैं हूं आपका होस्ट मैंग, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके मैकबुक प्रो या एयर का बैटरी लाइफ कितना बाकी है या फिर कितना टोटल होता है। सो मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आप कहां से फाइंड कर सकते हो कि आपके मैकबुक की बैटरी कितने दिन तक चलने वाली है और कब उसका लाइफ एक्सपायर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैकबुक में एप्पल ने एक टर्म दिया है, बैटरी लाइफ साइकिल। सो देर आर साइकिल्स एंड एप्पल ने अपने मैकबुक की बैटरी को कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स में डिवाइड किया है जो हर मैकबुक के लिए अलग अलग है। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आपको बस वहाँ पे जाना है और ये साइट ओपन हो जाएगा। आपको उसमें नीचे जाना है और आपका जो भी मॉडल है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके सामने आपको साइकिल काउंट दिखाएंगे, ये नंबर्स में होंगे, मिनिमम 300 एंड मैक्सिमम 1000। आप देख लीजिए आपका कौन सा है। इससे आपको पता लगेंगे कितने साइकिल काउंट, आपका बैटरी कितने साइकिल आपको प्रोवाइड करता है। साइकिल्स होते क्या हैं एक्चुअली। फॉर एग्जांपल इन माय केस, जो मेरा मैकबुक प्रो है तो वो 13.3 इंच का है रेटिना डिस्प्ले और ये 2014 का मॉडल है, 2014 का मॉडल है ये। साइकिल काउंट क्या होता है, जैसे एक साइकिल काउंट है, जैसे आपने एक बार अपने मैकबुक को 100% तक आपने चार्ज कर लिया और उसके बाद आपने उसको 100% यूटिलाइज कर लिया तो आपका एक साइकिल काउंट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके 500 साइकिल काउंट है तो अगर आपने अपने मैकबुक को 500 टाइम्स फुल चार्ज करके फुल यूटिलाइज कर लिया तो आपके मैकबुक की बैटरी फुली यूटिलाइज हो जाएगी और उसके बाद आपको उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। और ये आप साइकिल काउंट ऐसे ही भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने 100% चार्ज किया और आपने 50% कंज्यूम किया, उसके बाद आपने फिर से चार्ज पे लगा दिया, फिर से वो 100% हो गया, उसके बाद आपने फिर से 50% कंज्यूम किया तो लास्ट टाइम को 50% जो आपने कंज्यूम किया था और जो अभी आपने 50% कंज्यूम किया चार्ज होने के बाद वो मिला के 100% हो जाएगा और 100% इक्वल टू 1 साइकिल काउंट। तो आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो कि आप क्या आपके साइकिल काउंट, और आप कैसे देख सकते हो कि आपके कितने साइकिल काउंट हुए हैं, तो उसके लिए आपको टॉप लेफ्ट में आपको एप्पल लोगो दिखेगा, उसको क्लिक करो, फिर अबाउट दिस मैक पे जाओ, फिर यहाँ सिस्टम रिपोर्ट में जाओ, फिर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में हार्डवेयर में नीचे पावर का ऑप्शन दिखेगा, पावर में जाओ, और राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है हेल्थ इन्फॉर्मेशन के अंदर साइकिल काउंट। इसे आप देख सकते हो मेरी 182 साइकिल काउंट हो चुकी हैं और मेरी बैटरी की टोटल कैपेसिटी है 1000 साइकिल काउंट्स। सो अभी ये बहुत चलने वाला है मेरे ख्याल से। तो और आपको यहाँ पे आपकी बैटरी की कंडीशन भी दिखेगी नॉर्मल, शायद जब ये पूरा 1000 हो जाएगा तब यहाँ पे शायद दिखेगा रिप्लेसेबल और यू हैव और एग्जॉस्टेड, ऐसा कुछ दिख सकता है। यहाँ पे आपको बैटरी का स्टेटस दिखेगा, इंस्टॉल्ड है कि नहीं, यस दिखा रहा है, कितना एम्पियर करंट आ रहा है वो भी दिखा रहा है, वोल्टेज भी दिखा रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कितना चार्ज रिमेनिंग है, कितना मिली एम्पायर रिमेनिंग है, कितना फुल चार्ज कैपेसिटी है, आप वो चेक कर सकते हो, चार्ज हो रहा है कि नहीं, नो, फुल्ली चार्ज, नो, सब कुछ स्टेटस आपको दिखा रहा है यहाँ पे, आपके बैटरी का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है यहाँ पे। इस तरह से आप अपने बैटरी की जो लाइफ है आप पता कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दैट थम्स अप, एंड इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो देन आप डिसलाइक भी कर सकते हो उस वीडियो को, एज योर चॉइस। एंड मैं जानता हूँ कि आप बहुत लोग ये वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल पे, लेकिन यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो,
एंड कीप सपोर्टिंग मी. हैव अ गुड डे. जय हिंद.